Hello, friends. इनवेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात करने वाले हैं आज के मार्केट के और व्हाट आई बॉट टुडे ओके एंड व्हाट आई सेल टूडे इससे रिलेटेड मतलब क्या खरीदा और क्या बेचा है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे तो अगर हम बात करें जो हम आज की निफ्टी निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए आज के दिन अच्छा खासा यहाँ पर गिरती हुई दिखाई दी फिर रिकवरी हुई फिर उसके बाद एक गिरावट यहाँ पर दिखाई दी तो इस चीज को आपको देखना होगा अगर बात करें इस वीक की तो इस वीक में अच्छा खासा लग रहा था कि सिक्सटीन को टच कर देगा बट वहां पर से एक अच्छी

से और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से एक अलग तरीके के स्टॉक चुन सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अलग स्टॉक चुन सकते हैं तो देखिए हम स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से अगर बात करें तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर ही हमें चूज करने हैं उसमें लॉन्ग टर्म भी बने रह सकते हैं उसमें शॉर्ट टर्म भी अगर आप चाहे तो उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो ऐसे ही स्टॉक्स जो कि हमने आज खरीदे हैं उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे तो आज हम देखें तो देखिए सीमेंट और पेंट सेक्टर को छोड़ के जो कि बाद में रिजल्ट आए था तो भागते हुए दिखाई दिया बाकी सारे शेयर अगर हम बात करें यहाँ पर फार्मा एज वेल एज आई टी के कुछ शेयर भागे थे कुछ गिरे थे बैंकिंग यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर सारे के सारे मोस्टली शेयर यहाँ पर गिरते हुए दिखाई दिए थे और अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर दिखाई दी थी स्मॉल कैप मिड कैप और सभी में यहां पर गिरावट दिखाई दी है बट इस बीच में देखिए मार्केट को मैं जैसे कि मैं ऑलरेडी कह चुका कि ऊपर ही जाना है तो आपको क्या करना है बट कुछ शेयरों में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो कि आज की तो आइए बातें करते है आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल इन्वेस्ट फोर सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे और पर कल के दिन में भी चार वीडियो आई थी यहाँ पर आप देख, देखा होगा तो इधर कुछ खास गिरावट नहीं थी प्ले लिस्ट में जाइए अच्छा मिलेगा यहाँ पर एज वेल एज अगर हम बात करें तो अगर आपका ट्रेडिंग डिमेट अकाउंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लिक करें फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं और बाकी हम आज चलिए वीडियो पे चलते तो आज के दिन लगभग मैंने दस से ग्यारह शेयर खरीदे और उन, ए, मैं ऑलरेडी उनमें इन्वेस्टेड हूँ तो में, उ, उन्हीं शेयरों में मैंने एड ऑन किया है कुछ शेयर है जो मैंने एक्स्ट्रा एड करे अदरवाइज उन्हीं में हमने एड किया है कुछ शेयर बेचने के बाद तो सबसे पहले बात कर लेते कि कौन से शेयर यहां पर बेचे गए हैं तो अगर मैं बात करता हूँ कि हमने यहाँ पर बेचा है आईआरसीटीसी को आईआरसीटीसी को बेचने के पीछे अगर बात करूं तो क्या रीजन था तो आईआरसीटीसी को बेचने के पीछे देखिए सबसे चीज बढ़िया आईआरसीटीसी की नो डाउट ओके कुछ हमें अः किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ये शेयर आपको अच्छे खासे पैसे देगा बट अगर बात करें तो देखिए अच्छा यहाँ पर एक यहाँ पर ऑपरेटर्स का जो खेल खेलता है एक यहाँ पर शेयर को नीचे ले जाने के बाद ऊपर ले गए फिर उसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर गिर गिरावट यहाँ पर दिखाई दिखाइए लगभग तो इस अस्सी पे यहाँ पर शेयर बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अच्छा खासा आर एस आई पर शेयर चल भी रहा है सेवेंटी के आसपास और मुझे लगता है कि और थोड़ी गिरावट हो सकती है इसके पीछे का रीजन क्या है इसके पीछे का रीज़न ये है कि कोविड की थर्ड वेव का अगर हम बात करें यहाँ पर आने का अंदेशा है जिसकी वजह से अगर हम बात करें यहाँ पर मार्केट गिर भी रही है इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर फॉरन की अगर कोविड ग्राफ हम देखते हैं और और, यहाँ पर कंट्री वाइज हम एक बार चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेली वाइज यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज में जैसे कि यूके हो गया अमेरिका हो गया यहाँ पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है ओके और हमें जानने की जरूरत है कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए तो इसी चीज़ को हम देख के हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं इंडिया में अभी देखिए ग्राफ यहाँ पर सिंपल है कोई इशू नहीं है बट अगर हम देखेंगे दूसरी कंट्रीज में कोविड ग्राफ अगर मैं देखता हूँ ब्रिटेन का तो यहाँ पर आपको पता चले कि कोविड की थर्ड वेव आना शुरू हो गई यहाँ पर सीधे यहाँ पर शेयर देखिए यहाँ पर कोविड बढ़ता हुआ जा रहा है तो जब यहाँ पर सारे बढ़ते हुए जा रहे हैं तो आपको जिन जितने भी ट्रेवल से रिलेटेड शेयर है जिनमें गिरावट आती है या पी वी आर हो गए या फिर एविएशन के हो गए यहाँ पर आपको बेचने के चलेंगे तो अच्छा खासा रहेगा क्योंकि नीचे आने पर यहाँ पर आप इसे खरीद सकते हैं यहाँ पर ये आई आर इसी वजह से बेचा गया था इसके अलावा एक शेयर और हमने बेचा था वो भी दिग्गज शेयर है देखिए रिजल्ट काफी बेहतरीन आए ऐसी टेक्नोलॉजी के बट कहते हैं ना कि हम शेयर गिरता है। ये एस टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ही इफेक्ट कर जाती है मार्केट तो यहाँ पर ये शेयर में गिरावट होती दिखाई दी तो यहाँ पर इसे बेच के हमने दूसरा आई शेयर चूज़ किया है उसके उससे रिलेटेड हम बात करेंगे तो एस टेक में यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है क्योंकि यहाँ पर ये शेयर नाइन तक या फिर अगर बात करें क्योंकि जब भी यहाँ पर अच्छी एक बार रिजल्ट के बाद एक अच्छी खासी गिरावट देखने को हमेशा मिली है तो यहाँ पर ये शेयर नाइन तक दोबारा आ सकता है तो उस टाइम हम वी विल थिंक अबाउट इट बट अभी अगर, अगर हम बात करें तो यहां पर एस सी एल टैक्स में से यहां पर हमने एग्जिट किया है बात करते हैं इसके अलावा कुछ और शेयर्स की जिनमें हमने खरीददारी करी है तो देखिए कुछ दिन पहले यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी हमने जो कि अगर बात करें एशियन ग्रेनेटो की है जो कि अच्छा खासा शेयर है यहाँ पर फंड रेज किया जा रहा है उससे रिलेटेड भी आपको पता ही होगा यहाँ पर अगर हम मार्केट में रहते हैं तो यहाँ पर देखिए सेल, सेल, सेल से अच्छी खासी सेल्स है हाइएस्ट एवर सब चीज यहाँ पर हाईस्ट एवर आ गई है यहाँ पर सब कुछ अच्छा है और ये शेयर अगर हम बात करें इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो हमने बनाई है ये शेयर बहुत काफी नीचे चल रहा है और यहाँ पर जब भी टू

बाद अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दिया अगर हम देखें हिस्ट्री से ही हमें सीखना होता है प्लस में इसके हाईएस्ट एवर नंबर यहाँ पर आ गए हैं तो जब यहाँ पर सब चीज दिखा रहे थे कि 52 टू परसेंट के रिटर्न इसने कितने दिन में दे दिए थे अगर हम यहाँ देखे वन अप्रैल फर्स्ट अप्रैल से लेके अगर हम यहाँ पर देखे तो ये कितना मतलब 20 दिन में यहाँ पर फिफ्टी परसेंट के रिटर्न तो अगर 50 परसेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ 30 परसेंट के रिटर्न कि अगर हम यहाँ पर खरीदते हैं और यहाँ पर इसके रिजल्ट आने वाले हैं जो कि अगस्त में आ जाएंगे और ये यह कभी यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा इसके बाद जब भागेगा तो तीस के रिटर्न ये भी देगा दूसरा शेयर ये है इसके अलावा एक और शेयर जो कि हम हमने आ, एक काफी लोगों ने यहाँ तो पर क्रिटिसाइज अच्छा खासाटी अच्छा, के आसपास टू एटी तक गया है इसके बाद दोबारा गिरावट हो रही है एक और अपॉर्चुनिटी बन रही है, 50 के आसपास, 248 तक आ सकता है फिर इसके बाद दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा अच्छे इसके रिजल्ट है इसके अलावा बात करें और भी एक और शेयर की तो देखिये मॉर्पन टरी यहाँ पर हेल्थ के शेयर पे भी हमने जोड़ दिया है क्योंकि दोबारा अगर कोविड की वेव आई तो भी और, और अगर बात करें यहां पर अच्छे इन, इन्होंने रिजल्ट पेश करे है देखते हैं तो थोड़ी अच्छी खासी रैली देता है, में हमने यहां पर था, फिर पर है. आपको बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन फाइनेंशियल खुद की स्टडी करनी है बट इससे रिलेटेड भी हमारे चैनल पर देखिएगा अगर डालेंगे

रिजल्ट अच्छे खासे आ सकते हैं इसके भी तो इसलिए थोड़ा सा और नहीं भी आते तो लॉन्ग टर्म के व्यू से इसे रखने में कोई परेशानी नहीं है इसके अलावा हम आ, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि वी आई एम बुलिश ऑन ब्रोकिंग फॉर्म अगर बात करें ब्रोकिंग फॉर्म की तो देखिए ये शेयर से रिलेटेड अगला वीडियो आने वाला है आदित्य बिरला मनी आपको बताऊँगा इससे रिलेटेड तो अगर देखें तो अच्छा खासा शेयर है और अच्छे खासे इसने रिटर्न दिए हैं अगर हम बात करें यहाँ पर फोर्टी रुपीज का शेयर एटी तक जाते हुए दिखाई दिया विद इन अगर बात करें दो महीने के अंदर अंदर यहाँ पर अच्छे

ब्रोकिंग फॉर्म है आईसेक तो यहाँ पर सेवन, पहले तो हमने वीडियो देखी यहाँ पर बनाई थी फोर हंड्रेड के आसपास तब शेयर देखिए अच्छी खासी रैली बनाई और अभी दोबारा एक यहाँ पर सेवन हंड्रेड के आसपास जब ये शेयर आया था यहाँ पर तो हमने दोबारा आपको वीडियो बनाई थी उसके बाद तो यहाँ पर 800 की रैली सौ रुपये का यहाँ पर रैली बनाई इसके बाद आज की डेट में अच्छा खासा गिरता हुआ दिखाई दिया बट आज के दिन इसके रिज़ल्ट है रिजल्ट अच्छे आ नहीं है और ये शेयर को ऊपर जा नहीं है तो इसलिए यहाँ पर दोबारा हमने एड ऑन किया है इसमें फ्रे, फ्रेश बाइंग तो हमने ऑलरेडी पहले ही कर रखी थी इसके अलावा हम बात करें और भी चीज़ की तो यहाँ पर एक और शेयर है जुबिलियंट इंग्रीविया आज के दिन इसके रिजल्ट भी आते दिखाई दिए इस ये शेयर पर ऑलरेडी हमने यहाँ पर शेयर खरीदा था शॉर्ट टर्म के व्यूज है तब अच्छा खासा ये भागता हुआ दिखाई दिया फिर आज के दिन हमने बात करें तो यहाँ पर ये यह शेयर था हमने पर पर सेल करके आसपास सेल करके यहां पर फिर दोबारा बाइंग करी है और ये शेयर दोबारा ऊपर गया है और आज के दिन में इसके रिजल्ट आया बहुत बेहतरीन रिजल्ट इसके जैसे रिजल्ट अभी तक नहीं आए तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा ये शेयर दोबारा भागते हुए मुझे दिखाई दे रहा है शायद ये थर्सडे को दोबारा भागते हुआ दिखाई देगा इसके अलावा न्यू फ्रेश एंट्री जिसमें हमने करी है वो है माइंट्री माइंट्री के नंबर काफी बेहतरीन है हमेशा अगर बात करें फिफ्टी डीएमए के आसपास आता है फिर उसके बाद भाग जाता है फिफ्टी डीएमए के आसपास आता है फिर भाग जाता है और अभी तो ये शेयर यहाँ पर अगर बात करूं तो थोड़ा कंसोलिडेट यहाँ पर करेगा बट यहाँ पर अगर मैं सोचूंगा कि नीचे आएगा तब खरीदूंगा फिफ्टी डीएमए के आसपास तो मुझे नहीं लगता फिर ये मुझे मिलने वाला है क्यों क्योंकि यहाँ पर ये यह शेयर कब किसी भी दिन अच्छा खासा यहाँ पर जंप दिखा देगा आज के दिन भी इसने अच्छी खासी जंप दिखाई है और ये अच्छा खासा और शेयर इसका जो टारगेट मुझे लगता है ये फोर तक और इस साल तक ये जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है जिस तरीके से आई के शेयर भाग रहे हैं सब कुछ मिला के तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर हम बात करते हैं राजेश एक्स एक्सपोर्ट की यहाँ पर अगर बात करें अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाई है ये शेयर कभी भाग सकता है बात करें देखिए यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट थी यहाँ अच्छी खासी गिरावट थी फिर थोड़ा कंसोलिडेशन फेस किया फिर उसके बाद भागा फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन फिर भागा तो इसी तरीके से भाग रहा है और ऊपर की तरफ अच्छे खासे रिजल्ट दे रहा है सब कुछ अच्छा है इस शेयर में देखने की बात ही नहीं है लॉन्ग टर्म के व्यू से रखना है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के व्यू से रखना है शॉर्ट टर्म सब में आपको अच्छा खासा पैसा बनाते हुए दिखाई देगा राजेश एक्सपोर्ट तो यहाँ पर हमने एड ऑन किया है तो ये कुछ स्टॉक्स थे दस से ग्यारह स्टॉक जो कि हमने, well तो हमने तो से, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ने खरीदे है तो हम ऐसे ही शेयर में बने रहते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट हमें होता रहता है तो इसी तरीके के शेयर हमें खरीदते रहना है टाइम टू टाइम ताकि वो शेयर जब भागना शुरू करें तो आपको जिस दिन भी शेयर भागेंगे उस दिन ही अच्छा खासा रिजल्ट देते रिटर्न देते हुए चले जाएंगे तो वीडियो अच्छी लगी और लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें और आने दूसरी वीडियो आने वाली है उन वीडियो को जरूर देखिए सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस